लाभप्रद व्यवसाय है मधुमक्खी पालन। हमें इसलिए करना चाहिए, यदि हम जैविक खेती का काम कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत काम का है मधुमक्खी पालन। क्यों? क्योंकि जैविक खेती से, जैविक खेती में जो फूलों का उत्पादन होता है, फूलों के माध्यम से जो बीज का उत्पादन होता है, वो हमें मधुमक्खी जो है दुगुना तिगुना उत्पादन लेके आती है। मधुमक्खी जो बीज उत्पादन काम कर रहे हैं, हाइब्रिड बीज बना रहे हैं, चाहे उसमें सब्जियों का हो चाहे फसलों का हो, उन बीजों का हाइब्रिडाइजेशन मतलब उसमें पॉलन ग्रेन जो रहते हैं मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में जो क्रॉस कराने का काम वो मधुमक्खी करती है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है यदि हम बीज उत्पादन का काम करते हैं तो एक एक फ्लावर को टच करना पड़ता है, उसके पॉलन ग्रेन को टच करना पड़ता है, तो ये काम हमारा पूरा मधुमक्खी करती है। बहुत सारे बीज उत्पादन वाले जो समितियां हैं और कुछ कंपनियां हैं वो मधुमक्खी के बॉक्स को बीज उत्पादन में रखती है जब भी फ्लावर में वो फसल आती है। उसके बाद में जब वो उत्पादन होता है तो ये समझ जाओ कि यदि वो बीज का उत्पादन 2 किलो 4 किलो यदि ज्यादा होता है तो यदि 1 किलो जैसे बैंगन का बीज है 20,000-25,000 रुपए किलो है तो ये समझ जाओ कि यदि 2 किलो ज्यादा हो गया तो आपका सीधे सीधे 50,000 का लाभ हो गया। तो एक बड़े रूप में यदि हम देखें तो हमारा बहुत लाभ करवाती है। खाने के लिए ये हमें शहद भी देती है, मोम भी देती है, इसके अलावा पोलन ग्रेन जो पराग होता है उसको नेक्टर बोलते हैं, तो नेक्टर उसके पीछे के जो पंख रहते हैं उसमें चिपके रहते हैं और ये इसमें इतनी एनर्जी रहती है कि यदि आप कुछ खाना नहीं खा रहे हो इसको यदि आप भोजन के रूप में ले रहे हो तो आपकी बॉडी में पूरी एनर्जी बनी रहे। यदि हम भोजन के अलावा जिसके ज्यादा फेट है, जिसका वेट बढ़ गया है, वो तो भी जो है शहद का इस्तेमाल करता है, सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में 2 से 3 बूंद उसमें और शहद की डालें। इसके अलावा बच्चों को आँख में कहना चाहिए यदि आँख में पिचल है, कचरा है तो आँख में हमारे लिए औषधि का काम कर रहा है। उसके अलावा बच्चों को भी भोजन में देते हैं, उनको भूख नहीं लग रही, पेट संबंधित बीमारियां हैं। और देखा गया है कि बहुत प्रकार के शहद होते हैं, जैसे आम का शहद, यदि आम का हमारा बगीचा है उसमें यदि हम उसके मधुमक्खी पालन की पेटियां रखते हैं तो जो शहद बनेगा उसमें आम का थोड़ा बहुत टेस्ट आ जाता है क्योंकि उसके फूल के माध्यम से, तो वो आम का शहद कहलाता है। इसी प्रकार हम देखें कि यूकेलिप्टिस के यदि जंगल है वहां रखते हैं तो यूकेलिप्टिस का शहद होगा, यदि शीशम का शहद होगा, और लीची के यदि गार्डन में रखे तो लीची का होगा। कुल मिला के ये कहे कि हमारे यहाँ जितने भी फ्लावर वाले पेड़ पौधे हैं यदि हम उसका काम कर रहे हैं और वहां पर हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो हमारे पास जो शहद मिलेगा सबका टेस्ट अलग होगा, सबके गुण अलग होंगे। अजवाइन के खेत में यदि हम रखते हैं तो उसमें ऐसा गुण पाया जाता है शहद में कि हमारे पेट में यदि दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रहा है तो उसका सेवन करने से वो चीज चली जाती है। ऐसे यदि डायबिटीज वाले हैं तो वो नीम के शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे महंगा जो है लीची का मिलता है ना, केसर का मिलता है, मतलब केसर के बागान में यदि शहद बन रहा है तो स्वाभाविक है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। शहद भी जो है कलर में अलग अलग दिखाई देता है, लीची का व्हाइट दिखाई देगा, यदि हम सरसों के खेत में करेंगे तो उसका हल्का पीला घी जैसा दिखाई देगा और घी जैसा वो गाढ़ा भी होगा और वो सामान्य तापमान में थोड़ा जमेगा। लेकिन वही हम यदि अजवाइन के शहद की बात करें तो उसका रंग जो है कोका कोला टाइप का होगा और उसको फ्रिज में भी रख लोगे तो बिल्कुल नहीं जमेगा। तो ये जो उसमें औषधि गुण आते हैं उस फसल के आते हैं जिसमें उसका उत्पादन लिया जा रहा है। तो ये मधुमक्खियां भी कई प्रकार की होती है, जैसे एपिस डॉर्सेटा जो बड़े बड़े पहाड़ियों में पाई जाती है, एपिस डॉर्सेटा के नाम से उसको हम जानते हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये मधुमक्खी में बहुत सारी आपस में जैसे बताया कि सामाजिक प्राणी है, तो ये मधुमक्खी यदि एक मधुमक्खी ने हमला करी किसी के ऊपर तो पूरी की पूरी मधुमक्खी एक साथ हमला कर देती है। स्वाभाविक रूप से जब ऐसी खतरनाक मधुमक्खी हमला करती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। वही हम यदि अपनी छोटी मक्खी की बात करें जो हम लोग पालते हैं जैसे एपिस फ्लोरा या एपिस मेलिफेरा जो छोटे बक्से में पालते हैं, ये मधुमक्खी उतनी अग्रेसिव नहीं होती है, मतलब उतनी गुस्से वाली नहीं रहती। यदि इसने काट दी तो कोई दिक्कत नहीं, इससे काटने से हमें औषधि गुण मिलते हैं, जैसे किसी को आर्थराइटिस है, घुटने का दर्द है, चल नहीं पा रहा है, उनके पूरे जॉइंट्स में दर्द रहता है, तो एक चिकित्सा है जिसके अंतर्गत मधुमक्खी को कटाया भी जाता है। यानी मधुमक्खी का जो डंक में जहर पाया जाता है, जो एसिड पाया जाता है, उसको भी जो है बाजार में बेचा जाता है। और
मधुमक्खी की ये थेरेपी भी है, ठीक है। तो मधुमक्खी हमको खाने के लिए भी दे रही है, हमारे स्वास्थ्य को भी सही कर रही है, और उसके अलावा जो वैक्स मोम बनता है वो भी विभिन्न प्रकार से हमारे उपयोग का होता है ना। तो ये हम उसके बेनिफिट देखे हैं। मधुमक्खी जो है एक सामाजिक प्राणी बताए, ये मधुमक्खी कैसे काम करती है। मधुमक्खी में पूरे परिवार को चलाने के लिए मुख्य रूप से होती है एक रानी मधुमक्खी। यदि रानी मधुमक्खी आपके बक्से में है तो पूरा परिवार कंट्रोल में रहता है। यदि रानी मधुमक्खी मर गई तो ये समझ जाओ कि आपका पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा, पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। रानी मधुमक्खी जो है वो अंडे देने का ही काम करेगी, लेकिन स्वाभाविक है वो रानी है तो सबसे बड़ी भी रहती है, अलग से पहचाना जा सकता है, ज्यादा उड़ती नहीं है, ज्यादा भागदौड़ नहीं करती, बस खाती पीती और अपने आराम करती और अपने अंडे देती। अब ये बहुत बहुत सारे अंडे दे देती है, समझ जाओ कि एक बार में एक दिन में लगभग 2,000 कम से कम अंडे दे देती है। और उन अंडों की जो यदि क्वालिटी के हिसाब से उसको निर्भर करता है कि जो उसमें अच्छे निकलते हैं उनको उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और वो वैसे श्रमिक बनते हैं। और उसमें से जो नर रहते हैं, जो नर एक अच्छी क्वालिटी के यदि रहेंगे तो 20-25 जो है उनको तैयार कर लिया जाएगा, और उनका काम सिर्फ प्रजनन का काम करते हैं, वो प्रजनन करने के बाद वो मर जाते हैं, ठीक है। और श्रमिक हैं वो अपने काम करते रहते हैं और पूरे 1.5 महीने उनका जीवन चक्र होता है। अब हम इसका देखेंगे, इसके जो अंडे होते हैं मतलब इसका जीवन चक्र जो है अपूर्ण जीवन चक्र है। सबसे पहले होते हैं अंडे से शुरुआत करें, अंडे एक, फिर आता है प्यूपा। प्यूपा उस संखी को कहते हैं जो ब्राउन कलर का रहता है और जो उसके अंदर भरा हुआ रहता है, एक प्यूपा और एडल्ट, एडल्ट यानी मक्खी। तो ये सबसे छोटे जो अंडे हैं ये सबको पता है, यदि इनमें चार अवस्थाएं दूसरे जो कीट है उनमें पाई जाती है तो उसको पूर्ण जीवन चक्र कहेंगे, है ना। इसमें अपूर्ण कहेंगे क्यों, इसमें लार्वा की अवस्था वो नहीं है, मतलब इल्ली इसमें नहीं पाई जाती, तो इसलिए तीन अवस्था पाई जाती है। और इससे जो शहद निकाला जाता है, शहद निकालने के लिए कई प्रकार के, हम आर्टिफिशियल की बात करें तो जिस बक्से में रखे रहते हैं उसको हम बहुत आसानी से बाहर निकाल लेते हैं, फ्रेम को निकाल लेते हैं, फ्रेम में देखते हैं शहद बना के नहीं, उसमें अलग ही चमकता है। यदि उसमें शहद बना है तो नीचे से आधे में लगभग शहद होता है, उसके ऊपर में उसके अंडे होते हैं और उसकी जो चमक है वो बता देती है कि इसमें शहद भर गया है। अब जो शहद जो भर गया है, इस शहद को हमें निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, एक सामान्य रूप से चाकू से हम लोग उसको ऊपर की लेयर काट देते हैं और उसको एक प्रकार के ड्रम में, एक प्रकार के ड्रम में भर के रखते हैं। और ड्रम को यदि हम जैसे रोटेट करें तो शहद वो ड्रम में चिपक जाता है पूरा रोटेट करने पर, और उस शहद को हम आसानी से निकाल लेते हैं। इसको कच्चा शहद कहते हैं या रॉ हनी बोलते हैं, और इसको हमें एक निश्चित तापमान में यदि थोड़ा सा गर्म करें लगभग 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये हमारे लिए बहुत समय तक रखा रह सकता है, स्टोरेज करके रख सकते हैं, इसमें कोई भी अशुद्धियां नहीं पाई जाती। इसको हम छन्ना से छान लेंगे, जो भी अशुद्धियां जैसे पत्ती के छिलके होंगे या कोई मधुमक्खी मर गई होगी तो वो ऊपर से अलग हो जाता है और पूरा हनी हमें इकट्ठा हो जाता है। हनी की बहुत अच्छी विशेषता है कि इसको जितना लंबे समय तक रखोगे इसके गुण में कोई ह्रास नहीं होगा, इसकी क्वालिटी अच्छी ही रहती है और इसी कारण इसके जो है ना रेट बढ़ते जाते हैं, जितना पुराना शहद होगा उतना उसके रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है। और मधुमक्खी का शहद निकालने के बाद उस फ्रेम को हम दोबारा वैसे ही रखते हैं, इसको अलग से हमें अलग करने की जरूरत नहीं है। अब इसके हानिकारक हम जब शत्रु की बात करें तो इसके शत्रु हैं कौन कौन से, जैसे इसके बॉक्स रखते हैं इसके पैर रहते हैं चार पैर, चार पैरों के नीचे हमें कटोरी में पानी भर के रखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि यदि हम जहाँ बक्से रखे हैं कोई भी फसल में वहाँ चीटे या चीटियां बहुत आसानी से चढ़ के आ जाते हैं उनको मिठास के कारण, और वो खाना चालू कर दे और पूरा चढ़ कर जाते हैं, ठीक है। दूसरा है भरैया है, ततैया बोलते हैं, भरैया बांस ये भी मधुमक्खी को मार देती है पकड़ पकड़ के तो वो मर जाती है। और इसके अलावा चिड़िया है, चिड़िया उड़ते हुए जाती है, छोटी छोटी मक्खियां रहती है इनको आसानी से पकड़ लेती है।
और मार देती है। इसलिए हमें इसको यदि पालना है तो कुल मिला के हम ये ऐसी साइट सिलेक्शन करें जहाँ जैविक खेती हो रही है और जैविक खेती के साथ में वहाँ पानी का स्रोत हो, नदी तालाब हो और बड़े बड़े वृक्ष लगे हों ताकि शीतलता प्रदान रहे। और वहाँ पर हम यदि रासायनिक खेती कर रहे हैं तो ये हमारे लिए हानिप्रद होगा। यदि हमारे खेत के अलावा दूसरे खेत में वीडिसाइड या कीटनाशी का प्रयोग होता है, वहाँ पर यदि हमने इसका प्रयोग कर दिया तो मधुमक्खी के अपने स्वाभाविक रूप से वहाँ जाएगी, फूल चूसेगी तो वो मर जाएगी। इस प्रकार जो है मधुमक्खी जो है अपना पूरा जीवन यापन करती है, तो यही इसका गणित है। तो इसलिए बोलते हैं कि मधुमक्खी को बचाना है, वातावरण को बचाना है, जैविक खेती करना है, तो हम भी जो है स्वस्थ रहेंगे और जीवन पर्यंत मधुमक्खी के साथ ही हम लोगों को भी रहना है। ठीक है।